हड़ाम हुई यूरोप और अमेरिका की दादागिरी, रूस के बाद भारत को मिला सबसे बड़ा ऑफर, अब ईरान भी कौड़ियों के भाव देगा तेल और गैस। ग्लोबल पॉलिटिक्स में मोदी ने मचा दिया तूफान। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में अपने देश का ऐसा डंका बजा दिया है कि पूरा विश्व आज भारत का ही गुणगान गा रहा है। आज हर देश यही चाहता है कि भारत उसका दोस्त बने और उसके साथ व्यापार भी करे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ताकत के बल पर दादागिरी दिखाकर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता था। उसकी हमेशा से यही मंशा रही है कि दुनिया के सारे देश उसकी उंगलियों पर नाचें। यही वजह है कि वो जब चाहे किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाकर उस पर अपनी हुकूमत की ताकत को जता देता था, और किसी भी देश की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अमेरिका जैसे ताकतवर देश के खिलाफ जाए। लेकिन भारत ने इन सभी को ऐसी मात दी कि अमेरिका के साथ साथ उसके चेले चपाटे देश भी देखते रह गए। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच जब अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, तो विश्व के बाकी देश भी अमेरिका के पीछे पीछे हो लिए। लेकिन भारत ऐसा देश था जिसने अमेरिका की दादागिरी को लात मारते हुए अपने जिगरी दोस्त रूस का साथ दिया और उसे व्यापार जारी रखा। भारत की ताकत देखकर अमेरिका समेत बाकी देश भी देखते रह गए, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि भारत जैसा विकासशील देश अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा भी कर देगा। वैसे रूस जो भारत का गहरा दोस्त रहा है, ये दोनों ही विश्व में अपनी दोस्ती की मिसाल बने हुए हैं। युद्ध हो या फिर कोई व्यापार को लेकर समझौता, हमेशा से ही ये एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वहीं जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया, तो सभी ने रूस की निंदा की और उसके खिलाफ हो गए। भारत ही ऐसा देश था जिसने सबसे पहले रूस का समर्थन किया, क्योंकि वो जानता था कि इस युद्ध के जरिए अमेरिका अपनी दुश्मनी रूस से निकाल रहा है। वो रूस को आर्थिक रूप से पछाड़कर उसे कमजोर बनाना चाहता है और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। लेकिन भारत ने अमेरिका के सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। रूस ने भारत के इस कदम के चलते उसे सस्ते में तेल बेचने का ऐलान कर दिया, जिससे यूरोपीय देशों की नींद ही उड़ गई, क्योंकि वो तेल के जरिए ही पूरी दुनिया में अपनी मनमानी करना चाहते थे। वहीं भारत की ऐसे आक्रामक रुख को देखते हुए ईरान ने भी भारत की तारीफ की और उसके साथ तेल को लेकर व्यापार करने की कोशिश की है। इस वीडियो में मैं आपको ईरान और भारत के बीच तेल खरीदने को लेकर जो सौदा किया जा रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही आप जानेंगे कि कैसे ईरान और रूस का यह कदम अमेरिका और यूरोपीय देशों की नींद उड़ा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, रूस के बाद अमेरिका के एक और दुश्मन देश ईरान ने भारत सरकार के सामने तेल और गैस खरीदने का बड़ा प्रस्ताव रखा है। ईरान सरकार ने भारत के सामने ऑफर रखते हुए कहा है कि अगर भारत चाहे तो दोनों देशों के बीच फिर से तेल व्यापार शुरू हो सकता है। इसे लेकर पिछले एक महीने में भारत और ईरान के बीच 3 बार आधिकारिक स्तर की वार्ता हो चुकी है, और इन सभी वार्ताओं में ईरान के अधिकारियों ने भारत से एक ही आग्रह किया है। आग्रह ये है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को नजरअंदाज कर भारत अभी भी रूस से क्रूड खरीद रहा है, वैसे ही वो ईरान से भी तेल खरीदे। इसके बदले ईरान भारत को तेल खरीद में वो सारी सहूलियतें देगा जो रूस दे रहा है। ईरान का सबसे बड़ा ऑफर ये है कि तेल का ये व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि दोनों देशों की अपनी करेंसी में होगा। अगर भारत सरकार इस ऑफर को स्वीकारती है तो भारत के ऊर्जा सेक्टर को काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि कभी ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता हुआ करता था, लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से हटने और उसके तेल निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगाने के बाद नई दिल्ली को आयात रोकना पड़ा था, और साल 2018 में भारत ने ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया था और अपनी निर्भरता सऊदी अरब पर बढ़ाई। लेकिन सऊदी अरब तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, जिससे भारत पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट मचा हुआ है, और इन सब के बीच भारत में ईरान के राजदूत अली चेगेनी ने कहा है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान तैयार है। ईरान के राजदूत ने कहा है कि ईरान तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपया रियाल व्यापार शुरू करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रुपया रियाल व्यापार तंत्र दोनों देशों की कंपनियों को एक दूसरे के साथ सीधे सौदा करने और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खत्म करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, ईरानी राजदूत के कहने का मतलब ये था कि भारत ईरान से जो तेल खरीदे उसकी कीमत वो रुपए में चुकाए और उन रुपयों से ईरान भारत से सामान खरीद लेगा। यानी ईरान का यह प्रस्ताव दोनों देशों के लिए न सिर्फ फायदेमंद साबित हो सकता है बल्कि डॉलर के बढ़ते वैल्यू का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिहाजा कच्चे तेल की कीमत पर डॉलर के बढ़ते कीमत का जो प्रभाव पड़ता है वो नहीं पड़ेगा और भारत में तेल की कीमत थोड़ी कम हो सकती है। वहीं तेल को लेकर भारत और रूस की बात करें तो दोस्तों, दोनों देश दशकों से करीबी रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पैदा हुई प्रतिकूल परिस्थितियों से भी इस संबंध पर कोई असर नहीं पड़ा है।
पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच बढ़े व्यापार से ये बात साफ होती है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के बाद से भारत ने रूस से 50 गुना ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। अब भारत के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 10% पर पहुंच गई है। यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू होने से पहले रूस से भारत महज 0.2% तेल खरीद रहा था। अप्रैल महीने में यह बढ़कर 10% पर पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत के तेल आयात बास्केट में अप्रैल महीने में रूस की हिस्सेदारी 10% रही, जिसके बाद रूस भारत के टॉप 10 तेल सप्लायर्स में से एक बन गया है। भारत रूस से ऐसे समय में तेल की खरीद बढ़ा रहा है जब विभिन्न कारणों से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत आसमान पर है। बढ़ी कीमतों के बीच भारत रूस से सस्ते में इसका आयात बढ़ा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और ये कई महीने से $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस का क्रूड ऑयल सस्ता है। इसका फायदा भारत और चीन जैसे देश उठा रहे हैं। भारत में कुल इंपोर्ट का करीब 40% रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोजनेफ्ट बैक्ड नायरा एनर्जी जैसे प्राइवेट रिफाइनर्स खरीद रहे हैं। वहीं भारत रूस को अपना भुगतान रुपए में कर रहा है। भारत के इस रुख को देखते हुए ईरान ने भी तेल के व्यापार की पेशकश की है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान को तेल निर्यात करने की छूट देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन खुद भारत ने अभी ईरान से इस तरह का कोई पक्का वादा नहीं किया है। ईरान और भारत के बीच चल रही वार्ताओं की जानकारी रखने वाले राजनयिक सूत्रों ने बताया है कि भारत ने हाल के महीनों में जिस तरह से ईरान से संवाद को तेज किया है उससे तेहरान काफी उत्साहित है, क्योंकि भारत जैसा बड़ा तेल खरीदार देश अगर फिर लौटता है तो ईरान की इकोनॉमी के लिए काफी सकारात्मक होगा। जून महीने में ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहिया पहले नई दिल्ली की यात्रा पर आए थे। उनके बाद उप विदेश मंत्री मेहदी सफारी ने भारत का दौरा किया और अब विदेश सचिव विनय क्वात्रा की ईरान के राजनीतिक मामलों के उपमंत्री डॉक्टर अली बाघेरी कानी से बात हुई है। इन तीनों वार्ताओं में दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा बात हुई है, एक तो चाबहार पोर्ट से जुड़ी परियोजनाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और दूसरा ऊर्जा कारोबार को किस तरह से पटरी पर लाया जाए। जून माह में अपने यूरोपीय दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर ने एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में कहा था कि ईरान और वेनेजुएला को तेल आपूर्ति करने की मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही है। किसी बड़े देश के विदेश मंत्री की तरफ से ईरान को इस तरह का समर्थन हाल के दिनों में नहीं मिला है। जयशंकर के इस बयान के बाद कुछ यूरोपीय देशों की तरफ से भी ईरान के समर्थन में आवाज उठी है। यूरोपीय देश रूस से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने की आशंका देखकर परेशान है। ये खबर भी है कि राष्ट्रपति बाइडेन की जल्द होने वाली खाड़ी क्षेत्र की वार्ता के बाद ईरान के साथ परमाणु संयंत्र नियंत्रण को लेकर वार्ता भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका के कट्टर दुश्मन कहलाए जाने वाले रूस और ईरान भारत के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, जिससे अमेरिका की नींद उड़ती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका की दादागिरी भारत के आगे कब तक टिकी रहती है।